अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल इकराम प्रेगनेंसी इन्फो। नाजरीन, मैं हकीम इकराम आप लोगों को अपने चैनल इकराम प्रेगनेंसी इन्फो पर वेलकम करता हूँ। नाजरीन, प्रेगनेंसी के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल इकराम प्रेगनेंसी इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। नाजरीन, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जल्द से जल्द आप हामिला किस तरह हो सकती हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले आपने इस बात को समझना है, आपने इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक करना है। नाज़रीन, लाइक करने के बाद आपने इस बात को जहन नशीन करना है कि जिन दिनों आपने मुबाशित करनी है वो दिन आपके ओवल्यूशन डेज होने चाहिए। नाज़रीन, अब ओवल्यूशन क्या होता है? नाज़रीन, ओवल्यूशन से मुराद ये है कि औरतों में अंडे बनने के दिन। नाज़रीन, मर्द के स्पर्म्स जो होते हैं वो हर वक्त बनते रहते हैं, लेकिन औरतों के अंदर मखसूस अयाम होते हैं, मखसूस दिन होते हैं जिन दिनों उनके एग रिलीज़ होते हैं। नाज़रीन, अगर उन दिनों औरत के साथ मुबाशित कर ली जाए, हम बिस्तरी कर ली जाए, तो वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाती है और इजीली उनको प्रेगनेंसी ठहर भी जाती है। नाज़रीन, आपने सबसे पहले तो ओवुलेशन डेज़ फाइंड करना है। ओवुलेशन डेज़ फाइंड करने का तरीका क्या है? नाज़रीन, अगर आपका पीरियड साइकिल 30 डेज़ का है, यानी कि 30 दिनों का है, तो आपके ओवुलेशन कब बनेंगे? नाज़रीन, पीरियड साइकिल का जो मिड टर्म होता है, यानी कि दरमियानी वक्त, यानी कि अगर 30 दिन के बाद आपको पीरियड आते हैं तो 15वां दिन, 16वां दिन, 17वां दिन और 18वां दिन, ये चार दिन आपकी ओवुलेशन होगी। अगर आपके जो है ना पीरियड साइकिल जो है वो अगर आपका 28 दिनों का है, तो नाज़रीन मिड टर्म आपने इसका दरमियानी वक्त निकालना है, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख, ये चार दिन आपकी ओवुलेशन होगी। इसके अलावा अगर आपको 26 दिनों बाद जो है ना आपको यानी कि पीरियड्स आते हैं, तो आपकी 13, 14, 15 और 16, ये चार दिन जो आपकी ओवुलेशन होगी। नाज़रीन, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको पीरियड्स दो दो महीने नहीं आते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले उनको चाहिए कि वो अपने पीरियड्स के लिए अच्छी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, अच्छी अद्वियात का इस्तेमाल करें, जिससे उनको पीरियड्स रेगुलर हो सकें, ताकि वो अपने ओवुलेशन डेज़ फाइंड कर सकें। नाज़रीन, पीरियड्स के दरमियान में ही ये ओवुलेशन होती हैं। नाज़रीन, अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने हार्मोन जो है ना इम्बैलेंस रखने हैं, इम्बैलेंस नहीं होने देने हैं, अपना वेट ओवर नहीं होने देना है। नाज़रीन, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल इकराम प्रेगनेंसी इन्फो को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।